में शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृषभ राशि अप्रैल 2024 कैसा रहेगा इसी की चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि मूल साइन पर आधारित है। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा सटीक जानकारी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा ग्रहों के गोचर के से उसी की आप चर्चा करेंगे और उसका आपको सही जानकारी मिलेगी और आपको फायदा महसूस होगा। अप्रैल के महीने में ग्रहों का गोचर इस प्रकार है। गुरु और बुध आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु आपके पंचम भाव से, मंगल और शनि आपके दशम भाव से, राहु सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा? आपके राशि के स्वामी शुक्र 11th भाव से गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। 25 अप्रैल के बाद वो द्वादश भाव में चले जाए, तो 25 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। लेकिन 25 अप्रैल के बाद जब शुक्र आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो आपकी हेल्थ में थोड़ी सी इशू हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव अच्छा नहीं माना जाता। अगर संतान की बात करें तो संतान आपके पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में वक्री होकर फिर 11th हाउस में चले जाएंगे और उनकी सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आप संतान के प्रति चिंताएं दूर होंगी, संतान से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन जब बुध एकादश भाव में आ जाएंगे उसके बाद केतु बैठे हुए हैं, थोड़ी सी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, आप थोड़ी सी संतान के प्रति मने आप शक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी पंचम भाव देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध जब एकादश भाव में आएंगे और नीच के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र उच्च के हैं तो नीच भंग राजयोग का निर्माण भी होगा और सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी अपनी ही राशि पर, तो आपकी शिक्षा अति उत्तम रहेगी। अगर कोई परीक्षा है तो उसमें सफलता भी मिलेगी। कहीं मनचाहन एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां भी आपकी सफलता मिलेगी, लेकिन केतु थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, मैंने आप में दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें। प्रेम प्यार की भी बात करें तो भी पंचम भाव से देखा जाता है और बुध और शुक्र एकादश भाव में ही आ जाएंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और मंगल की आठवीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो प्रेम प्यार के लिए तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ने से आपके जो जिसे प्रेम करते हैं वो थोड़ा सा आक्रामक हो सकते हैं, थोड़ी सी वो मतलब कि शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, इसका थोड़ा ख्याल करें। वैसे पर प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, मेल मिलाप भी अच्छा रहेगा और काफ़ी नज़दीकियाँ भी आएंगी। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके
सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी मंगल केंद्र में दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए तो ये अच्छा समय है। आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, अपने कार अगर काम करते हैं तो उसमें बिजी हो सकते हैं, माने लाइफ पार्टनर आपके थोड़े बिजी महसूस करेंगे। अगर व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें बिजनेस उनमें आएगी। वैसे वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, मंगल अच्छे जगह पर है, और 24 अप्रैल को एकादश भाव में जाएंगे तब भी अच्छा रहेंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपको नवम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी शनि देव अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से दशम भाव से गोचर कर रहे हैं और सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है। पिता से आपकी अच्छी तालमेल बनेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत उत्तम समय है। अगर करियर की बात करें तो ये दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शनि देव अपने ही राशि से गोचर कर रहे हैं और सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो करियर के लिए भी तो बहुत बढ़िया। और उनके तीसरी दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है, तो विदेशी कामों में अगर आप संलग्न हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, या विदेशी का एमएनसी कंपनी में है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, अगर खोज रहा है नौकरी एमएनसी में तो उसमें भी सफलता मिलेगी, तो आईटी के क्षेत्र में है तब भी सफलता मिलेगी, या लोहे या कारखाने से संबंधित आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो आपके अच्छा रहेगा करियर की दृष्टि से अप्रैल का महीना वृषभ राशि के लिए। अगर लाभ और इच्छा की बात करें तो ये एकादश भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी शुक्र, जिसके स्वामी गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने रहेंगे, तो आपके लाभ होगी। चूंकि नीच भंग राजयोग का भी शुक्र और बुध मिलकर नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, इच्छा की पूर्ति भी होगी, लेकिन गुरु चूंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी अड़चने आ सकती है या ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है तो इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है या मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर धन की बात करें तो धन द्वितीय भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बुध आपके एकादश भाव में आ जाएंगे वक्री होकर, तो धन का आगमन तो होगा चूंकि बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे लाभ भाव में, तो धन का आगमन होगा क्योंकि भाग्य का पूरा साथ है। माता के सुख और स्वास्थ्य की बात करें तो वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और जिसके स्वामी सूर्य 14 अप्रैल को एकादश भाव में आ जाएंगे लेकिन उच्च के हो जाएंगे, तो माता का स्वास्थ्य और माता का सुख भी 14 अप्रैल से पहले या बाद पूरे अप्रैल के महीना में अच्छा रहेगा। भूमि वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 14 अप्रैल से पहले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चूँकि भाग्य का भी साथ मिल रहा है, शनि सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए आप माता रानी की पूजा करें, और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल दें, जो भी आपकी परेशानी है उसमें कमी देखने को मिलेगी। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद।